सलाम करता हूं सभी को। अभिषेक नाम है मेरा। ये जो आने वाली कुछ लाइनें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो एक बेटे और उनके वालिद साहब के रिश्तों में वक्त के साथ होने वाले बदलाव, कुछ हलचल, कुछ उथल पुथल, इन्हीं सब बातों पे बेस्ड है। गौर फरमाइए कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक बाप और बेटे के बीच प्यार और मोहब्बत की डेफिनेशन काफी बदल सी जाती है। प्यार दिखाना भी है, छुपाना भी है। पता नहीं, एक अनकही सी दूरियां पनपने लगती है। दरार तो नहीं कहूंगा मैं इसे, पर एक लाइन सी जरूर खिंच जाती है जो अब ताउम्र क्रॉस नहीं करनी है, लांगनी नहीं है। समाज, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रिंसिपल्स और कुछ फिजूल से रूल्स और रेगुलेशंस हावी हो जाते हैं वो पहले के प्यार और मोहब्बत के मायनों पर। फिर माहौल तंग सा हो जाता है और फिर कभी भी दोनों के बीच बातें खुल के नहीं हो पाती हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और मुझे यकीन है कि काफी लोग मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। बात थोड़ी संजीदा है तो ये मिसरा भी थोड़ा सा लंबा है। रखता हूं आप लोगों के सामने, इसका टाइटल है पापा। कुछ इस तरीके से है कि आज आप इतने प्यार से मेरी फिक्र करते हो, आज आप इतने प्यार से मेरी फिक्र करते हो, आज अपना लिया है आपने मेरी हर नाकामी को। पर बचपन से आखिर ये अनकही दूरियां क्यों थी? एक दूसरे के उम्मीदों को अपनाने में इतनी झिझक क्यों थी? वक्त बहुत था, नजदीकियां नहीं थी, मगर वक्त बहुत था, नजदीकियां नहीं थी, मगर आज कुछ नजदीकियां बढ़ी हैं, पर वक्त है अपनी पाबंदी पर। बच्चा ही तो था, थोड़ा सिखा देते कि कैसे दिखाऊं अपने प्यार को। औरों को तो बहुत बोला मैंने, पर कभी खुद से बोल नहीं पाया आपको। पापा, पहले की तरह आज भी आपको देख ज्यादा कुछ कह पाता नहीं, पहले की तरह आज भी आपको देख ज्यादा कुछ कह पाता नहीं, पर बहुत ख्याल रखता हूं आपका, बस कभी जताया नहीं। बहुत ख्याल रखता हूं आपका, बस कभी जताया नहीं।